जम्मू कश्मीर में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सरकारी अफसरों के गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने के आदेश पर एतराज जता दिया है। असल में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने आदेश जारी किया था कि सरकारी अफसरों को गणतंत्र दिवस के मौके पर जम्मू यूनिवर्सिटी और शेरे कश्मीर स्टेडियम में होने वाले समारोह में हाजिर रहना होगा। अगर कोई अफसर समारोह में नहीं पहुंचा तो इसे सरकार के आदेश की अवहेलना माना जाएगा। लेकिन पीडीपी ने अब इस पर सियासत की है। पीडीपी के प्रवक्ता ने इसे तानाशाही कहा, आदेश थोपने की कोशिश बताया और कहा कि ऐसे आदेश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब हमारे देशभक्त दर्शकों को यह समझना होगा कि ऐसी सोच क्या देश विरोधी नहीं है। अगर पीडीपी गणतंत्र दिवस का सम्मान नहीं करेगी तो इसका मतलब यही होगा कि पीडीपी के दिल में देश के लिए भी कोई सम्मान नहीं है और ये उसका राष्ट्र विरोधी नजरिया है। जम्मू कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों की गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में मौजूदगी जरूरी करने के आदेश पर विवाद के बाद राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि इसमें कुछ नया नहीं। सत्यपाल मलिक ने कहा है कि इसमें राष्ट्रीय थोपने जैसी बात नहीं, कहीं कोई नेशनलिज्म थोपने की बात नहीं है। अब सरकारी दफ्तर में तुम तनख्वाह पाते हो तो दफ्तर में काम करना तो तुम्हारी ड्यूटी है कि नहीं है? इसमें नेशनलिज्म कहां से आ गया? ये पार्टियां चूंकि इस वक्त डिफंक्ट हो चुकी हैं, बेस लूज कर रही हैं, इसलिए इस ऐसी ऐसी फ्लिमजी चीजों को पकड़ के उसमें कम्युनलिज्म और नेशनलिज्म एंटी नेशनलिज्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मेहरबानी करके ये ऐसा ना करें, अच्छी बात नहीं है। जम्मू कश्मीर सरकार के आदेश में सरकारी अफसरों को गणतंत्र दिवस के मौके पर जम्मू यूनिवर्सिटी और शेरे कश्मीर स्टेडियम में होने वाले समारोह में अनिवार्य रूप से मौजूद रहने को कहा गया है। डिप्टी सेक्रेटरी चंद्र प्रकाश की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अगर कोई समारोह में शिरकत नहीं करता है तो इसे ड्यूटी में कोताही और सरकार के आदेश की अवहेलना माना जाएगा। पीडीपी समेत कई पार्टियों ने इसका विरोध किया है। बीजेपी ने कहा है कि राष्ट्रीय त्योहार में हर किसी को शामिल होना पड़ेगा। उनको तो शामिल होना पड़ेगा, ये राष्ट्रीय त्योहार है, ये तो ईद और दिवाली जैसा है। अपने देश का त्योहार स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, इसमें तो सबको शामिल होना चाहिए। बहुत अच्छा आदेश हुआ है। पीडीपी को क्या हो गया, वो क्यों विरोध कर रही है? वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने राज्यपाल सत्यपाल मलिक पर कई आरोप लगाए हैं। महबूबा ने कहा है कि राज्यपाल की नाक के ठीक नीचे जम्मू में गुज्जर और बकरवाल समुदाय को चुनिंदा तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। कुछ घरों को सिलेक्टिवली दर्जनों घरों को जो है उनको नोटिस मिली गई कि आप ये खाली कर दो। हालांकि मैं जम्मू में थी, मैं गवर्नर साहब से मिली, मैंने उनको इस बारे में बात की और उन्होंने मुझे एश्योरेंस दिया, मगर बदकिस्मती ये है कि ऐसा नहीं हो रहा है। इन लोगों के साथ बहुत ज्यादती हो रही है जम्मू में इस वक्त, बिकॉज आप सब जानते हैं कि ये भेड़ बकरियां पालते हैं और बोवाइन स्मगलिंग के नाम पे भी इनको तंग किया जा रहा है। महबूबा ने यह भी आरोप लगाया कि जम्मू क्षेत्र के मुसलमानों को 1947 जैसी स्थिति की धमकी दी जा रही है जब सांप्रदायिक दंगे हुए थे। विपक्ष का आरोप है कि महबूबा वोटों के लिए ये आरोप लगा रही है। ये बयान जो है ऐसा लगता है कि इलेक्शन के ईव पे दिया जा रहा है इन लोगों की जो है वो सहानुभूति हासिल करने के लिए, और इन लोगों को का जो है वो अच्छा खासा वोट बैंक होने की वजह से इस किस्म की बयानबाजी जो है वो की जा रही है। महबूबा मुफ्ती आतंकियों के हमदर्द के तौर पर भी आजकल बयान दे रही हैं। दरअसल दक्षिण कश्मीर के जिन चार जिलों में आतंकी सक्रिय रहे हैं वो पीडीपी के गढ़ रहे हैं। पुलवामा, शोपियां, कुलगाम और अनंतनाग से ही 1999 में पीडीपी पहली बार उभरी और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का तगड़ा विकल्प बनी। राज्य में पीडीपी और बीजेपी की साझा सरकार पीडीपी के लिए आत्मघाती साबित हुई। गठबंधन टूटने के बाद जनता को जवाब देना भारी ना पड़े, यही वजह है कि एमएलए रह चुके 6 नेता और एमएलसी रह चुके 2 नेता पीडीपी छोड़ चुके हैं। खबर यह भी है कि आतंकी अब लोगों को पीडीपी के खिलाफ वोट देने को कह रहे हैं, यानी जमीन खिसकती देख घबराई महबूबा के पास आतंकियों से सहानुभूति दिखाने के अलावा कोई चारा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।